कांग्रेस की जन आक्रोश रैली। गोविंद सिंह ने भाजपा नेताओं को बताया हिटलर के उपासक। आज श्योपुर से शुरू हुई कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, कांग्रेस नेता गोविंद सिंह, लक्ष्मण सिंह, शिव भाटिया हुए शामिल। श्योपुर शहर टोडी गणेश मंदिर पर पूजा कर शुरू की गई यात्रा। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने गांधी पार्क पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। श्योपुर से शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा चंबल और ग्वालियर संभागों की 34 विधानसभाओं से होती हुई गुजरेगी, जिसका नेतृत्व गोविंद सिंह के हाथों में रहेगा। डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान, भाजपा और शिवराज सिंह चौहान ने घोटाला किया और शिवराज सिंह मानसिक संतुलन खो चुके हैं, उनकी नाव अब डूबने वाली है, अब नवंबर दिसंबर में डूब जाएगी। महिलाओं के 33% आरक्षण पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा पहले ही प्रस्ताव रख दिया गया था, लेकिन भाजपा के ही लोगों ने इसमें आपत्ति लगाई थी और हाईकोर्ट में अपने दलाल भेजकर इसको रुकवाया था। ये हिटलर के उपासक हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा कांग्रेस के जन आक्रोश रैली के गाने पर दिए गए बयान पर भी बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा पार्टी में यही सिखाया जाता है और इन्हीं यही बोलने का नशा है, जो जन आक्रोश के गाने को पाकिस्तानी बताया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बोले कि भाजपा ने भगवान शिव को भी नहीं छोड़ा। संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। राज सिंह सत्ता के मध्य में मैदान हो चुके हैं, अब उनको न तो गांव का किसान दिख रहा है, न उनको छोटा व्यापारी, नौजवान, महिलाएं, बच्चे जो अत्याचार हो उसकी तरफ उनकी याद नहीं है। शिवराज सिंह की नाव नवंबर दिसंबर के चुनाव में डूबने वाली है, इसलिए शिवराज सिंह जी का मानसिक संतुलन खो चुका है और इसलिए मानसिक संतुलन में वो उल्टा अल्ल बल्ल बक रहे हैं। उन्होंने भगवान राम शिव को भी नहीं छोड़ा, नाम शिवराज है लेकिन शिव के नाम पर शिव को ही लूटने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ वो अपनी उनको बोलने का नशा है और उनको भारतीय जनता पार्टी को बचपन से ही फर्जी झूठी घोषणा करना, झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है RSS में। वोट RSS के ट्रेंड कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनको जो सिखाया गया है वो बोलेंगे, इससे ज़्यादा उनका दिमाग चलता है। इसीलिए ये आक्रोश से जनता का सैलाब आपको दिख रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार में तय किया था और उसकी योजना बनाई थी, कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उस समय इसका विरोध करने को उतारू थे। पीछे जैसे कमलनाथ जी ने सामर प्रसाद मंत्रियों के नाते अपने पिछले बार को 27% आरक्षण दिया था और हम दे चुके कानून बनाया आधे लागू कर दिया था मैंने, लेकिन उन्होंने जाके अपने दलालों से हाई कोर्ट में याचिका लगाई और उसको रुकवा दिया। इनकी कथनी करनी मान रहे हैं जो हिटलर के उपासक हैं।